नमस्कार, कैसे हैं आप सब? सब ठीक है? खेती बाड़ी में सब ठीक चल रहा है? अब तो दूध का रेट भी अच्छा मिल रहा है। दूध का रेट तो बढ़ गया है, लेकिन दाने चारे का रेट भी बढ़ गया है, इसलिए किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं है। देखिए, दूध और दाने चारे के रेट ये तो बाजार पर निर्भर करता है। अब इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं। आप सबका अगर सहयोग मिले तो हम अपने पशुओं की दूध देने की क्षमता को बढ़ाकर अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। वही तकनीक जिसे पश्चिमी देशों ने कई साल पहले अपनाकर अपने पशुओं की दूध देने की क्षमता को इतना बढ़ा लिया कि उनकी गायों का प्रतिदिन 35 से 40 लीटर दूध देना एक आम बात है। कई पशु तो 80 लीटर तक भी दूध दे देते हैं। उन्होंने ऐसे सांड और गाय विकसित किए हैं जिनकी बछड़ी निश्चित तौर पर अपनी मां से ज्यादा ही दूध देगी। इस तकनीक को कहते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग या संतान परीक्षण। अब इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल करूंगा। ये पति पत्नी के जोड़े हैं और ये हैं इनके बच्चे रवि और सुरेश। अब आपको ये बताना है कि इनमें से रवि के माता पिता कौन हैं और सुरेश के माता पिता कौन हैं। बहुत आसान है ना? तो बताइए, मतलब आप कह रहे हैं कि रवि के माता पिता ये हैं और सुरेश के वो। गलत, चौंक गए। सही जवाब ये है कि रवि के माता पिता ये हैं और सुरेश के माता पिता वो हैं। आम लोगों का मानना है कि लंबे कद वाले माँ बाप का लड़का भी लंबा ही होगा और छोटे कद वाले माँ बाप का छोटा होगा, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है। इसका कारण है आनुवंशिक गुण या जीन्स। बच्चों में 50% जीन्स माता से आते हैं और 50% जीन्स पिता से आते हैं। इसीलिए लंबे कद के माता पिता के बच्चों का लंबा कद होने की संभावना ज्यादा होती है, पर यह भी संभव है कि ऐसा नहीं हो। चलो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। रवि का एक भाई भी है। दोनों बिल्कुल एक से क्यों नहीं दिखते? एक पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा खेल कूद में। दोनों के माता पिता तो एक ही हैं, फिर भी ये असमानता क्यों? इसका मूल कारण कुछ जीन्स हैं, जिनकी वजह से बच्चे अपने माता पिता या भाई बहन की तरह हो भी सकते हैं और नहीं भी। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर हम माँ के दूध के आधार पर सांड का चुनाव करते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि चुने हुए सांड की बछड़ी भी सांड की मां के बराबर दूध देगी। पर यह सांड का चुनाव करने का सही तरीका नहीं है। बछड़ी उतना दूध दे भी सकती है और नहीं भी। ठीक उसी तरह जैसे हमने अनुमान लगा लिया था कि लंबे माता पिता के लड़के लंबे ही होंगे। AI तकनीक से एक सांड से हजारों गायों को गाभिन किया जाता है और यदि गलती से हम कम दूध देने की क्षमता वाले सांड का चुनाव कर लेते हैं तो संभव है कि इन गायों से पैदा होने वाली हजारों बछड़ियां आगे चलकर कम दूध देंगी। इसलिए ये आवश्यक है कि AI सेवा के लिए सही सांड का चुनाव करें। तो अच्छे सांड का चुनाव करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि ऐसे सांड का चुनाव करें जिसने परीक्षण में ये साबित कर दिखाया हो कि उसकी एक बछड़ी नहीं बल्कि बहुत सारी बछड़ियों ने ज्यादा दूध दिया हो, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग या संतान परीक्षण। तो आइए देखते हैं कि प्रोजेनी टेस्टिंग का सही तरीका क्या है। हमारे देश में राष्ट्रीय डेयरी योजना के अंतर्गत NDDB ने पिछले कुछ सालों में HF, CBHF, CB जर्सी गायों, मुर्रा और मेहसाणा भैंसों की दूध देने की क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारी दूध संघ, लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, NGO और ट्रस्ट के साथ मिलकर देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रोजेनी टेस्टिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहले तो प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोजेक्ट के अधिकारी वीर्य उत्पादन केंद्र में उपलब्ध उस नस्ल के अच्छे गुण वाले सांडों का उनकी माँ और उनके पिता की माँ के दूध के आधार पर चुनाव करते हैं।
कम से कम ऐसे 20 सांडों का चुनाव किया जाता है। फिर प्रत्येक सांड की कुछ सीमेन स्ट्रॉ भविष्य में सांडों के उत्पादन के लिए सुरक्षित रख लेते हैं और एक निश्चित मात्रा में प्रत्येक सांड की सीमेन स्ट्रॉ चुने हुए गांवों में बारी बारी से एआई के लिए भेजी जाती है। एआई से गाभिन पशु यदि बछड़ी को जन्म देती है, जिसे हम डॉटर भी कहते हैं, तो उसे एक महीने के अंदर टैग लगाकर और शारीरिक माप लेकर रजिस्टर किया जाता है। फिर हर 6 महीने में बछड़ी या डॉटर का माप लिया जाता है ताकि उसके शारीरिक विकास पर नजर रखी जा सके। ये प्रक्रिया डॉटर के बच्चा देने तक जारी रहती है। बछड़ी के ब्याने के बाद उनका पूरा एक ब्यांत में अधिकतम 11 महीने तक या पशु का उस ब्यांत में दूध सूखने तक मिल्क रिकॉर्डर हर महीने की निश्चित तारीख को सुबह और शाम डॉटर के दूध का माप लेता है और दूध मापनी कार्ड में रिकॉर्ड करता है। अगर कोई पशु कुछ महीनों के बाद एक समय ही दूध दे रही हो तो उस समय ही दूध रिकॉर्ड किया जाता है। मिल्क रिकॉर्डर दूध मापनी के दिन सुबह एक बार दूध का नमूना लेता है और परीक्षण के लिए लैबोरेटरी में भेज देता है। वहां पर दूध का परीक्षण फैट, प्रोटीन, लैक्टोज और SNF के लिए किया जाता है। इस सब का रिकॉर्ड कंप्यूटर में लिखा जाता है। डॉटर के बच्चा देने के 2 से 3 महीने के बीच में इनके कई शारीरिक हिस्सों को भी मापा जाता है, जिसे हम बॉडी टाइपिंग कहते हैं। शुरुआत में उदाहरण के लिए हमने वो जो 20 सांड चुने थे उनकी बछड़ी या डॉटर के दूध की औसत निकाली जाती है और उस पर से सांडों की रैंकिंग की जाती है। यानी नंबर 1 सांड की डॉटर्स के दूध की औसत बाकी सांडों की डॉटर्स की दूध की औसत से ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा दूध देने वाली 10% दुधारू पशुओं को सर्वोत्तम पशु कहते हैं और 10% सांड जिनकी डॉटर के दूध की औसत सबसे ज्यादा है उसको प्रमाणित सांड कहते हैं। अब उस सांड के संग्रह किए गए सीमेन स्ट्रॉ से सर्वोत्तम पशु का एआई किया जाता है। एआई के दौरान ध्यान रखा जाता है कि अंतः प्रजनन ना हो, मतलब पिता के वीर्य से उसकी बछड़ी की एआई ना हो। सर्वोत्तम पशु से उत्पन्न बछड़े और उनकी मां की कुछ चुनिंदा बीमारियों के लिए जांच की जाती है। अगर बछड़ा और उसकी मां रोग मुक्त हैं और बछड़े के माता पिता का DNA परीक्षण सही है तब बछड़े को प्रोजेक्ट द्वारा खरीद लिया जाता है। फिर उन्हें क्वारंटाइन स्टेशन में रखा जाता है जहां उनका चुनिंदा बीमारियों के लिए एक बार फिर से परीक्षण किया जाता है। उसके बाद रोग मुक्त बछड़े वीर्य उत्पादन केंद्र पर भेजे जाते हैं। इनकी वहां अच्छी देखभाल की जाती है ताकि वो बड़े होकर वीर्य उत्पादन के काम आ सके और उनका वीर्य AI के लिए गांवों में स्थित AI केंद्रों को भेजा जाता है। बछड़ियां किसान के पास ही रहती हैं और अच्छा दूध भी देती हैं। इस प्रक्रिया को प्रोजेनी टेस्टिंग कहते हैं। ये चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और हर पीढ़ी में पिछली पीढ़ी से ज्यादा दूध देने वाले पशु किसान को मिलते हैं और इस प्रकार दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रोजेनी टेस्टिंग की एक साइकिल पूरी होने में 6 से 7 साल लग जाते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसान भाई बहनों के सहकार बहुत जरूरी है। जैसे कि जब प्रोजेक्ट के कर्मचारी टैगिंग के लिए आते हैं तो उनको टैगिंग करने में सहायता करें। टैग एक 12 अंकों का खास नंबर होता है जो उस पशु की पहचान है। समझ लो कि टैग पशु का आधार कार्ड है। बस किसानों को वो टैग अपने पशु पर लगवाना होता है। टैगिंग प्रोजेनी टेस्टिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखने के लिए जरूरी है। कई किसानों का ये मानना है कि टैग लगाने का मतलब है कि उन्होंने बैंक से कर्जा लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैगिंग करना
जागरूक किसान की पहचान है। और ध्यान दे, बच्चे देने के 5 से 25 दिन के अंदर पहला दूध रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। दूध रिकॉर्डिंग के दिन कोशिश करें कि बच्चा अपनी माँ का दूध सीधे थन से न पिए। दूध मापने के बाद किसी बर्तन से बच्चे को दूध पिला दें। डॉटर को पौष्टिक चारा और दाना खिलाना है, जिससे वो जल्दी गर्मी में आए और उसका समय पर एआई हो सके। ये प्रोजेनी टेस्टिंग की साइकिल का समय कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वोत्तम पशु से उत्पन्न बछड़ों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये कोई साधारण बछड़ा नहीं है, ये भविष्य में वीर्य उत्पादन के काम आता है। प्रोजेक्ट अधिकारी द्वारा SBM, खून का नमूना और बॉडी टाइपिंग करने के दौरान आप सहयोग करें। अपने पशु को सिर्फ एक ही PTAI कर्ता से गाभिन करवाएं। आपको जो दूध मापनी कार्ड दिए गए हैं उनको संभाल कर रखें। और सबसे महत्व की बात, आपकी गाय या भैंस को दूध मापनी पूरी होने तक ना बेचें। किसान भाइयों और बहनों, प्रोजेनी टेस्टिंग एक वैज्ञानिक तरीका है, जो अनुमान के आधार पर नहीं पर साबित नतीजों के आधार पर अच्छी नस्ल के सांड को पहचानता है। सालों साल चलने वाली इस प्रक्रिया में आप सभी के सहयोग से हमारे देश में भी एक दिन में 30 से 40 लीटर दूध देने वाले पशु विकसित होंगे। तो आइए प्रोजेनी टेस्टिंग कार्यक्रम को हम सब मिलकर सफल बनाएं। धन्यवाद।